चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। और आज है छोटी दिवाली। कल जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तब तो दिवाली आ चुकी होगी। एक्चुअली बंगालीज में ऐसा छोटा दिवाली बड़ा दिवाली ऐसा कुछ नहीं होता। आज बंगालीज में होता है भूतो चतुर्दशी एंड चौदह प्रदीप, आई मीन 14 दिया जलाया जाता है। उसके साथ हम लोगों को खाना पड़ता है 14 टाइप का साग। लेकिन इस साल तो हम वैसा कुछ कर नहीं रहे हैं। पूजा वगैरह भी जो कर रहे हैं, मैंने व्लॉग में कई बार मैंने कहा है कि विधिवत पूजा नहीं कर रहे हम लोग, तो इसीलिए इस साल हम लोगों ने वो 14 साग भी नहीं खाया। और 14 दिया अभी जलाऊं या ना जलाऊं मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, तो शाम को मैंने बस वो इलेक्ट्रॉनिक वाला 14 दिया जला दिया था, तेल वाला नहीं जलाया। अभी तेल वाला दिया कल जलाऊंगी, लेकिन वही डेकोरेशन पर्पस, भगवान के सामने जो अलग से मिट्टी का दिया वगैरह हम लोग जलाते हैं वो तो इस साल नहीं कर रहे हैं, अगले साल से सब कुछ होगा। हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। कल आप लोग ये वाला ब्लॉग देखे हुए ना, इसीलिए हम लोग आज ही आप लोगों को हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। और कल जो हमारा दिवाली वाला ब्लॉग आएगा वो तो अगले दिन आएगा, तो आप तब देख पाओगे कि हम लोग कैसे दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे अभी दिवाली में आके मुझे थोड़ा सा वो जो बालकनी है ना वो मैं मिस कर रही हूँ। पहले जब हम शिफ्ट हो रहे थे तब मैं सोच रही थी कि प्लांट्स को कैसे रखूंगी, पता नहीं इंडोर में ठीक से होगा या नहीं। पर आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से कि हमारे ब्लॉग में कि थोड़ा सा ग्रीनरी है, जितना हो सका हमने किया। अगर स्पेस और भी ज्यादा होता तो हम तो और भी ग्रीन ग्रीन कर देते। बिल्कुल हाँ, तो बालकनी नहीं है फिर भी चलो गार्डन तो हो गया छोटा सा इंडोर वाला, लेकिन अभी वो फुलझड़ी नहीं जला सकते। और हमारी बिल्डिंग में तो छत पे जाना भी थोड़ा प्रॉब्लम है। आप लोगों ने देखा है ऑलरेडी ब्लॉग में कि छत पे कितने सारे एसी वगैरह है, उतना वेल मेंटेन्ड नहीं है। क्योंकि इस बिल्डिंग का जो छत है वो सबके जाने के लिए, मतलब किसी के भी जाने के लिए नहीं है, तो इसीलिए वो ऐसा है। अगर पूल वगैरह होता है सब कुछ या फिर प्ले एरिया वगैरह होता है किसी किसी बिल्डिंग में तो वो वेल मेंटेन रहता है, उसमें जाके थोड़ा फुलझड़ी वगैरह हम लोग जला हाँ, सकते थे। थोड़ा मतलब शाम का टाइम भी पास हो जाता है उसमें। हाँ, पटाखे तो नहीं फोड़ने पर हाँ थोड़ा सा फुलझड़ी जलाना मुझे अच्छा लगता है। इसका ये खिड़की भी ऐसा है कि यहाँ पे भी अगर नहीं कर सकते वैसे भी खिड़की के बाहर करना भी नहीं चाहिए। अगर हाथ से छूट जाए नीचे किसी को नीचे लग गया तो नहीं करना चाहिए। और घर के अंदर कैसे फुलझड़ी जलाएंगे, तो नो फुलझड़ी इन दिवाली। वैसे सड़क पे जाके जला सकते I really don't know. पता नहीं। अभी हम लोग भी इस एरिया में थोड़े नए हैं, इस साल हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वैसे यहाँ पे ना बर्दुबई में बहुत सारे लोग एक मतलब एक जगह होके पटाखे फोड़ते हैं, वहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी भी रहती है तो वहाँ पे पटाखे फोड़ने का परमिशन रहता है। हाँ, तो वहाँ पे ऐसे ही सड़क पे जाके आप पटाखे नहीं फोड़ सकते। हाँ, वो तो उन लोगों ने परमिशन लिया हुआ है, इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है इसीलिए। और गाइस दुबई में दिवाली की रौनक कैसी है, कैसे लोग दिवाली मना रहे हैं, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं।
ये था बरजू मान का दिवाली सेलिब्रेशन जो कि बहुत खूबसूरत था और मतलब बिल्कुल दिल को छू देने वाला। मुझे तो मतलब पूरी इंडिया की याद आ गई यार, इट्स जस्ट सुपर ऑसम। आप भी ज़रूर विजिट कीजिए और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
वैसे गाइस दिवाली में तो सबसे ज्यादा फन यही लगता था बचपन में ना कि हम एक तो पटाखे फोड़ेंगे और दूसरी सबसे बड़ी चीज है ना मिठाइयाँ आएंगी सबके घर से। हाँ। तो हमारा हम जहाँ जिस कम्युनिटी में रहते थे वहाँ पर मतलब जहाँ पे मैं ग्रो अप हुआ तो वहाँ पर ना सब लोग अपने घर में एक दूसरे के घर में मिठाइयाँ लेकर आते थे ऐसा कवर कर करके थाली में। I'm sure कि अभी जो लोग नॉर्थ में हैं अभी वो लोग अभी तक ये सब ट्रेडिशन करते हैं, पर बंगालियों में ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा बचपन से। और शादी के बाद भी दुबई चली आई तो यहाँ पे भी हम लोगों का उतने नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स इतने कुछ है नहीं, इतने फ्रेंड सर्कल नहीं है कि हमें दिवाली पे कुछ मिले, या फिर हम भी अगर हमें मिलता है तो हम बंगाली हैं तो क्या हुआ, हमें भी देना पड़ता है, किसी से ले लेंगे नहीं देंगे कुछ, थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना। तो शायद वो ट्रेडिशन हम भी फॉलो करना शुरू कर देते, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे आने के बाद हुआ नहीं। आप कह सकते हो हम लोग थोड़े से मतलब अकेले टाइप थे, हम लोगों का फ्रेंड सर्कल थोड़ा कम ही है ज्यादा। आपके ब्लॉग्स में भी आपको दिखता होगा कि हमारे घर पे इतना कोई आता जाता नहीं है। तो हमारा एक्साइटमेंट रहता था कि ये जो थाली लेके आई है ना आंटी जी, उसको जब जब ऐसे खोलेंगी उसको अंदर क्या क्या मिलेगा, अंदर क्या क्या माल होगा खाने के लिए। वैसे गाइस आप लोग बताना कि दुबई की ये जो रौनक है और कैसे दुबई में दिवाली सेलिब्रेट हो रहा है, जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आपको कैसा लगा। और इस बात का पूरा क्रेडिट जाता है सौरभ को, सौरभ ही है जो ये सब कुछ फुटेज आप लोगों के लिए कैप्चर करके लाया है कि वो ब्लॉग में शेयर कर पाए, मतलब हम दोनों शेयर कर पाए और आप लोग देख पाओ कि दुबई में दिवाली कैसे मन रही है। वैसे गाइज एक और बात है ना, मैंने यहाँ पे जब से दुबई आया हूँ इस बार थोड़ा कैसा थोड़ा खाली खाली टाइप का है, लेकिन है ना हर साल ऐसा होता है कि जितने भी गोल्ड ज्वेलरी के शॉप्स होते हैं ना उन लोगों के यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा ऑफर्स होते हैं, और मतलब स्क्रैच एंड विन होता है, नहीं तो किलो किलो सोना विन करने का बड़ा बड़ा ऐड लगा रहता है। इस बार है, अगर आप लुलू से अराउंड आप फुटेज में आप देख सकते हो, वैसे मैं आपको फुटेज भी दिखा दूंगा, लुलू से अगर आप 100 ग्राम्स की परचेसिंग करते हो तो 2.5 केजी सोना आप आपको घर ले जा सकते हो, बट देर इज अ कंडीशन, मैंने देखा नीचे छोटा करके लिखा हुआ है कि पर पर्सन को सिर्फ 50 ग्राम्स मिलेंगे। इट्स लाइक 2.5, इट्स डिवाइडेड इनटू लाइक आई थिंक 50 पीपल्स काइंड ऑफ, तो ऐसा है। और 25,000 वर्थ का डायमंड ज्वेलरी आपको मिल सकता है। डायमंड ज्वेलरी तो बेकार है, ये तो मतलब सच में कम है। हम लोग जब मतलब दो महीने का एक साथ कर लेते हैं, क्या पता गोल्ड मिल जाए, 50 ग्राम भी बहुत है, हो सकता है एक अच्छा खासा नेकलेस बन जाता है उसमें। एक्चुअली इंडिया में तो बड़े बड़े नेकलेस वो रानी हार बन जाएगा 50 ग्राम में, पर यहाँ पे नहीं होता गाइस, यहाँ पे 50 ग्राम में ठीक ठाक नेकलेस आएगा, यहाँ पे जो ज्वेलरीज है वो काफी भारी होती है। हाँ, और मैं तो ये कहूँगा कि आप जो यहाँ पे और भी लोग बहुत सारे ऑफर्स देते हैं, बट डोंट फॉल फॉर देम, बड़े बड़े ब्रांड्स के जो ऑफर होते हैं ना वो जेन्युइन ऑफर्स होते हैं, वो लोग लिटरली आपको देते हैं, उनका प्रूफ होता है देने का, लॉटरी सिस्टम में बहुत कुछ होता है, बट यू शुड गो टू दोज जायंट्स बेसिकली। तो इस बार सच में बहुत कम है यार, 2.5 किलो इट्स सो लो राइट, 5 किलो 10 किलो तक ही मिलता था नहीं। हाँ वो भी मिलता था, अभी कोविड के बाद सब लोगों की हालत थोड़ी सी टाइट है, पर मैं तो कहूंगी ये जितने भी फूड चेन वाले हैं ना, लुलू हो गया, कारफोर हो गया, यहाँ पे यूनियन कॉप है, इन लोगों का कहाँ बिजनेस डाउन हुआ है। गाइस हम लोग तब वीडियो नहीं बनाते थे, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग तब वीडियो नहीं बनाते थे, बट जब हम लोग यहाँ पर आए थे ना हमने एक बार दिवाली में क्या देखा था पता है, लुलू में है ना बड़ा सा कांच का बना हुआ है, और उसके अंदर 7 बॉक्सेस रखी हुई है लाइक ट्रेजर बॉक्स, और उसमें ना पूरा मतलब ज्वेलरी व्लरी सब कुछ भरा हुआ है, डायमंड के वॉचेस, डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, बहुत कुछ था, 7 डिफरेंट बॉक्स था, मतलब सबके वैल्यू जो है वो सेम है लगभग, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, और डिजाइन्स भी अलग अलग टाइप का वहाँ पे ज्वेलरी था, तो वहाँ पे लॉटरी चल रहा था, वो दमास की तरफ से चल रहा था वो लॉटरी। हाँ, और 1000 दिरहम्स के परचेस पर आप एक शानदार ट्रेजर घर ले जा सकते हैं बॉक्स। नहीं ऐसा नहीं कि 1000 खरीदोगे ट्रेजर बॉक्स लेके चले जाओगे, आपको एक कूपन मिलता है उसके ऊपर लॉटरी होगा और लॉटरी के बाद आप जीत सकते हो, तो ऑब्वियसली यू कैन विन इट इज। तो 7 जन को मिला था
ऑब्वियसली उनमें से हम नहीं थे इसीलिए तो, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी किस्मत में तो पत्थर ही पत्थर है, क्योंकि जब भी हम लोग लॉटरी में ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो अलग से मतलब पैसा देके लॉटरी खरीदना वो सब उतना नहीं करते, लेकिन ये जब भी कोई सुपरमार्केट में कुछ हो जाए या फिर गोल्ड शॉप में कुछ हो जाए तो हम लोग वहां से थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं ताकि पार्टिसिपेशन हो जाए, शायद कुछ मिल जाए, लेकिन आज तक कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। तो गाइज ये है मतलब दुबई की दिवाली, छोटा सा जितना हम दिखा सके आपको, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और कल के व्लॉग में आप लोग देखोगे कि हम लोग दिवाली कैसे मना रहे हैं, ऑब्वियसली घर में ही मनाएंगे, लेकिन मैं कल वो मेरा कांजीवरम पहनने वाली हूँ फाइनली मैं कल अपने मतलब एक साल पहले खरीदा था, आज तक नहीं पहना, कल पहनूंगी, नहीं तो अभी वो कांजीवरम भी पूछेगी तूने खरीदा क्यों था मुझे। So guys, आज का ब्लॉग हम ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैप्पी दिवाली।